गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ्स में जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है टिक टिक टिक। हम क्लॉक टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी में बच्चों जब हम टाइम लिखा हुआ हम कहीं देखते हैं तब हमें उसके साथ एएम और पीएम इस तरीके से लिखे हुए दिखते हैं। हर टाइम के साथ इस तरीके से एएम या पीएम लिखा हुआ होता है। अब ये एएम और पीएम क्या होते हैं आज हम इन्हीं के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एएम, एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, जिसका मतलब होता है फॉर नून, मतलब जब दोपहर के सही 12 बजे होते हैं, जब दोपहर के पूरे 12 बजे होते हैं, 12 o'clock का टाइम होता है, उससे पहले का जो भी टाइम होता है बच्चों, उससे पहले का जितना भी जो भी टाइम होता है उसके साथ हम लिखते हैं एएम, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन। इसी तरीके से पीएम, पीएम की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियन, जिसका मतलब होता है आफ्टरनून, मतलब दोपहर को 12 बजे के बाद, 12 o'clock नून के बाद का जो भी टाइम होता है, यहाँ पे देखिए जो भी 1, 2, 3, 4, 5 ये जो भी टाइम होता है मिडनाइट 12 o'clock तक, उसके साथ हम लिखते हैं पीएम। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, देखिए एएम इज फॉर मॉर्निंग टाइम, एएम इज फॉर मॉर्निंग टाइम, पीएम, पीएम इज फॉर इवनिंग टाइम, मीन्स एएम मॉर्निंग टाइम के लिए डिनोट किया जाता है और पीएम इवनिंग टाइम के लिए, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान से देखना है और याद रखना है कि एएम हम कब लगाते हैं और पीएम हम कब लगाते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क दे रही हूँ बच्चों, देखिए ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, ये कुछ 10 क्वेश्चन है आपके, बहुत ईजी है ये 10 क्वेश्चन है, आपको इन्हें अपनी कॉपी में साफ साफ करना है। ओके, गुड लक।